हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथ का कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो डेफिनेशन क्या कहता है इसे समझा जाए। ए नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आई वाई वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स is called a complex number। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर जिसे हम x plus iy के रूप में रिप्रेजेंट कर सके, x plus iy में x और y दो रियल नंबर हो सकते हैं, इस पूरे नंबर को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? z से। मैं अपकमिंग वीडियोस में जो भी मेरा वीडियो आएगा मैं जेड से रिप्रेजेंट करूंगा और आप जेड इज इक्वल टू ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर समझेंगे। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में एक्स जो होता है रियल पार्ट होता है और वाई जो होता है ये इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। शॉर्ट में इसको जेड रियल या जेड इमेजिनरी से भी लिखा जाता है। कभी कभी इसको रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी लिखा जाता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज है, जेड इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आई मैंने लिखा है। इसमें आप जेड रियल और जेड इमेजिनरी देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा टू और जेड इमेजिनरी मिलेगा हमें थ्री। और एक चीज और आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पे हमें प्लस और यहाँ पे भी इसके पहले प्लस लगा हुआ है, ये हमें नोट करना होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जेड इज इक्वल टू टू माइनस थ्री आई। तो यहाँ पे जेड रियल क्या है अपना, यहाँ पे जेड रियल टू है और यहाँ जेड इमेजिनरी क्या है, तो यहाँ जेड इमेजिनरी माइनस थ्री है। बिल्कुल सही। तो ये रहा डेफिनेशन और इसके आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। आप लोग जहां पे भी लगे कि नोट डाउन करना है तो उसे वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे और मैं इसे इरेज कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इफ एक कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी फाइंड आउट करना हो तो प्योरली रियल नंबर, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लिखने के लिए बोला जाए तो आप कैसे लिखें? तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होगा उसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं लिखूं ओनली एक्स प्लस आई वाई जो होता है इसमें आई वाई टर्म जो होना चाहिए क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अगर केवल रियल पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में तो उसे हम प्योरली रियल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार प्योरली इमेजिनरी अगर आपको समझे तो प्योरली इमेजिनरी हम लोग कहेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि x प्लस आई वाई में x जो रियल पार्ट है वह एलिमिनेट हो जाना चाहिए, वह हट जाना चाहिए, केवल इमेजिनरी पार्ट बचना चाहिए। यानी यहां पे हम कहेंगे कि अगर हमारा z रियल जीरो हो गया तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और अगर z इमेजिनरी जीरो हो गया तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। तो एक एग्जांपल देखिए प्योरली रियल का। एग्जांपल में जैसे मैं z इज इक्वल टू ओनली 2 लिखूं तो ये क्या है अपना, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर हम इसमें एग्जांपल करते हैं z इज इक्वल टू 3i जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में किया था, तो मैंने उसका रियल पार्ट हटा दिया और यहां पर आपको दिख रहा होगा जेड इज इक्वल टू थ्री आई। तो इसमें रियल पार्ट नहीं है, दिस इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी एंड दिस इज कॉल्ड प्योरली रियल। नोट इट डाउन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम।
अब एक और चीज समझा जाए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ मिल जाए आपको, ये बड़ा ही रिमार्केबल चीज है, तो मैं इसको रिमार्क्स के तौर पे लिख रहा हूँ, a plus ib is equal to zero। कंसीडर कीजिए कि अगर हमारा a plus ib जीरो हो तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, तो यहाँ से हमें पता चलता है if a plus ib is equal to zero then a is equal to zero and b is equal to zero also। दोनों पार्ट को जीरो होना पड़ेगा तभी a plus ib क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हम इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं छोटा सा में, जैसे कि a plus ib हमने लिखा है और is equal to zero है, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो हमें मिलेगा a plus ib का स्क्वायर is equal to zero का स्क्वायर। तो यहां तो आप a plus b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये समझने से पहले अब हमें आयोटा के बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। i जिसको मैं आयोटा कह रहा हूं, इसके बारे में आप समझें कि i की जो वैल्यू होती है i is equal to root under minus 1 होता है, और अगर हम i को i के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वन। ये बहुत इजी आप कर सकते हैं, i का पावर क्यूब कर दिया जाए तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा माइनस आई। ये कैसे मिलेगा इसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट कर देते हैं। तो देखिए आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन इंटू आई, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, राइट। और एक और चीज यहाँ पे आई का पावर फोर, तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, आई का पावर फोर जो होता है आई स्क्वायर का स्क्वायर होने की वजह से माइनस वन का स्क्वायर बन जाता है प्लस वन। तो यहां से हमें चार चीजें याद रखनी है i के लिए, क्या क्या है वो आप नोट कर ले, i इज इक्वल टू माइनस वन का अंडर रूट, i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, i का पावर थ्री इज इक्वल टू माइनस i, और i का पावर फोर इज इक्वल टू वन। इसे नोट करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि इसको स्क्वायर कैसे करना है, तो स्क्वायर कीजिए, जनरली जो आप जानते हैं उसी जैसा स्क्वायर करना है, इसको कीजिए तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू आई बी प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहां पे होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी आई माइनस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या बताया था माइनस वन, तो माइनस वन इंटू बी स्क्वायर बराबर जीरो। तो आप एक तरह से इसको लिखें तो आपको मिलेगा बराबर जीरो। यहां से हम अगर जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हम लिखेंगे जीरो प्लस जीरो आई। और अगर हम यहां से इक्वेट करें, दोनों तरफ इक्वेट कीजिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो, और साथ ही साथ टू ए बी इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो है, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एक चीज यहां से पता चल गया कि a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज हम अगर यहां से देखते हैं तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई है, तो गेस कीजिए कि कोई भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई होगा तब तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तब तक ये जीरो नहीं होगा जब तक कि a और b में से कोई एक वैल्यू जीरो के बराबर ना हो जाए। जी हाँ बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ पे a जीरो कीजिएगा तो b भी अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज यहाँ से हमें मिलता है कि अगर a प्लस ib इज इक्वल टू जीरो हो तो a की वैल्यू भी जीरो होती है और b की वैल्यू भी जीरो होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कुछ है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा जाए, चलिए मैंने मान लीजिए कि इसको a1 और
आई बी वन जेड टू इज इक्वल टू ए टू प्लस आई बी टू करके लिखा है। एक दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया है और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब कहे जाएंगे, जेड वन एंड जेड टू आर कॉल्ड इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इफ ए वन इज इक्वल टू ए टू एंड बी वन इज इक्वल टू बी टू। बहुत ही सिंपल है। तो कभी भी आप देखें किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी के बराबर हो, तब हम उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जेड वन और जेड टू को क्या करते हैं, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और ये यही इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहलाता है। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी बहुत आसान है। देखिए जैसे मान लीजिए अगर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो और इसका हमसे कोई कॉन्जुगेट पूछता हो, तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है z बार से और इसकी जो वैल्यू होती है वो x माइनस आई वाई के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने केवल क्या किया है, रियल पार्ट को वैसे ही लिखा है लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड एंड जेड का कॉन्जुगेट जो होता है वो बस माइनस और प्लस साइन के द्वारा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम इसमें नेगेटिव करेंगे, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे। तो इस प्रकार अगर हम एग्जाम्पल देखें तो z1 में कहीं 2 प्लस 3i लिखा हो और z2 में 2 माइनस 3i लिखा हो तो z1 एंड z2 आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नोट कर लीजिए इसको भी, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। एक क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो चलिए करके देखते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए तो मैं बता दूं कि आप लोग जो भी किताब फॉलो कर रहे हो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं अवेलेबल और फॉर बिहार पॉलिटेक्निक के अंदर जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर सेकंड सेम, तो ये वीडियो जो है ये जो टॉपिक चल रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये सिविल सॉरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सीएस के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ना है। बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें से आपको फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस की भी किताबें अवेलेबल है, झुनझुनवाला का किताब भी अवेलेबल है और भी बहुत सारे मार्केट में आपको किताबें मिल जाएंगी। आप कोई भी किताब को लेकर के बनाना शुरू कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस के बुक को फॉलो करते हुए। तो अगर आपके पास ये बुक है तो बेटर है, अन्यथा कोई भी बुक है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा था कि हम लोग एक क्वेश्चन करना है फाइंड द रियल, ये क्वेश्चन है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सवाल है यहाँ पे वन प्लस आई बाई टू प्लस थ्री आई। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है वन प्लस आई डिवाइड टू प्लस थ्री आई ऐसे करके दिया है। इसे हमें किसी भी तरह से, आप पहले भी पढ़े होंगे बचपन में भी पढ़े होंगे कि भाई इस तरह की संख्या जो दे गई वो उसको परिमेयकरण कैसे करके हम लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं, तो वही आपको करना है और आप इसको सॉल्यूशन इसको आप परिमेयकरण करके हर का परिमेयकरण कीजिए और कीजिए करके आगे बढ़िए
मैं बढ़ाता हूँ इसको, चलिए ठीक है देखते हैं। तो मान लिया जाएगा लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 2 प्लस 3। ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है और हमसे पूछा जा रहा है कि रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। बहुत ही इजी है, आप इसे केवल क्या कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए। बिल्कुल सही, परिमेयकरण ही करना है। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं बाबू? परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है हर में तो वहां पे माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया जाता है। करिए तो 2 में 1 से 2, 2 में i से तो 2i, फिर माइनस 3i में तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 3i और ये हो जाएगा माइनस 3i स्क्वायर। वेरी गुड। और यहाँ पर a प्लस b है, माइनस b लगाइए तो 2 स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे ये क्या हो जाएगा बाबू बताइए, यहाँ i स्क्वायर है और i स्क्वायर को हमने क्या बताया था, हमने लिखा था i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 3 में होगा क्या आएगा 3, 3 और 2 मिलके हो गया 5, 2i माइनस 3i दिस माइनस i आएगा। बिल्कुल सही बात है, 2 2 जा 4 माइनस, और यहाँ पर भी आप गौर से देखें तो 9i स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर भी हम इस माइनस को चेंज कर सकते हैं, सॉरी आई स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं, चलिए चेंज कर दिया जाए, 5 माइनस आई अपॉन 4 प्लस 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 इंटू 9 हो जाएगा प्लस 9। ओके तो आप इसको लिख सकते हैं 5/13 माइनस, या फिर इसको आप प्लस ही लिखें और यहाँ माइनस 1/13 इंटू आई लिखें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आपको यहाँ से पहचानना आसान हो जाएगा। तो z रियल की वैल्यू कितनी हो गई बाबू, 5/13 हो गई, बहुत अच्छा। और z इमेजिनरी की वैल्यू कितनी हो गई, -1/13। ओके यही था आपका, तो चलिए बढ़िया है आप लोगों ने इसका। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, ये आप करते रहिएगा। चलिए उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन का एक चीज समझ लेते हैं, बचपन में हम लोग एक चीज मिला होगा एडिटिव इनवर्स, राइट? तो एडिटिव इनवर्स और एक और चीज मिला होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे मान लीजिए कहीं पे 2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -2 होता है, -1 तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है +1, साइन का केवल यहाँ पे चेंजेस होता है। अच्छा ठीक, इसी प्रकार अगर मान लीजिए 1/2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एडिटिव इनवर्स में -1/2, ठीक ना? चलिए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर हमसे कोई 4 है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो 4 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 होती है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दिया हुआ होता है, हम लोग इसको केवल अपोजिट कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, तो 4 का 1/4 हो जाएगा, 3/4 का बताइए, बहुत अच्छा 4/3 होगा। और हाँ यहाँ पे माइनस का कोई दिक्कत नहीं होता है, -3/4 है तो -4/3 ही होगा, इसमें साइन चेंज नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे एडिटिव इनवर्स होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स को ही हम लोग समझे तो ये कॉन्जुगेट, बिल्कुल आपको भी मैंने बताया कॉन्जुगेट के बारे में, तो कॉन्जुगेट आप कर दीजिए, एडिटिव इनवर्स निकल गया, जेड बराबर 2 + 3i दिया है, आप इसे क्या कर दीजिए जेड का कॉन्जुगेट कर दीजिए तो हो जाएगा 2 - 3i, ये इसका क्या कहलाएगा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसमें क्या किया जाएगा कि अगर मान लीजिए जेड की वैल्यू दी हुई है तो जेड में हमें वैल्यू अगर है 2 + 3i और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना हो तो हमें वैल्यू मिलेगी, इसको जेड वन कह देता हूँ, इसको जेड टू बोल देता हूँ, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/z1, जैसा कि अभी मैंने बताया था, तो वहां पे हो जाएगा वैल्यू 1/2 + 3i। और इसको आप जैसे मैंने अभी इसका परिमेयकरण किया उस प्रकार आप इसको रेशनलाइज करके आप आसानी से बना सकते हैं और इसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो जेड टू की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3i। वेरी गुड। चलिए तो एक और सवाल है इसमें, हाँ मैं एक क्वेश्चन दे रहा था, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं इस डाटा को चेंज कर देता हूँ, आप इसे बनाइए और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो वो अपनी डाउट को कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको।
तो यहाँ पे 2 + 5i मैंने लिख दिया और यहाँ पे 3 - 4i, ये हो गया क्वेश्चन तैयार। और आपको यहाँ पे रियल इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक सवाल इन्होंने दे रखा है बुक के अंदर, तो वो अलग बुक, वो जो क्वेश्चन है मैं लिख देता हूँ, आप उसे इजीली बना सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन एंड दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3i। वेरी गुड, ये तो पहले से एग्जांपल चलते आ रहा है, यही क्वेश्चन भी हो गया। तो 2 + 3i का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेना है। चलिए, तो इससे पहले कुछ क्वेश्चंस अगर आप जब देखेंगे, एक चैप्टर है, थोड़ा सा आप आगे बढ़ के जब देखेंगे, एक्सरसाइज एक है इसमें FPH में, FPH में एक्सरसाइज 7a, तो 7a के कुछ क्वेश्चन है, उन्हें आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं फिर आगे इसको बता ही रहा हूँ, बताऊंगा भी। तो चलिए, थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। ओके, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, एक नई चीज आ गई यहाँ पे, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इजी है, यहाँ आपको बहुत ज्यादा लैंग्वेज से मतलब नहीं रखना है, हम लोगों को कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो देखिए, जरा सा कार्टेशियन की जैसी बात आती है फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम की चर्चा होगी ही, और हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बताने के लिए दो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस जो होता है उसको ड्रॉ करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक आप लोग जो देखते आ रहे हैं z = x + iy, इसमें क्या होता है कि यही तो रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने पहले शुरुआत ही इससे किया था लेकिन उसमें नाम नहीं दिया था, फिलहाल आप उसको समझ जाए कि जो भी चर्चा अभी तक हुई है ये सब किस रूप में है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, यानी पॉइंट कंसिडर कीजिए पी है, तो इसका y x एक्सिस से डिस्टेंस होगा और इसका y एक्सिस से भी x एक्सिस से डिस्टेंस होगा और y एक्सिस से भी डिस्टेंस होगा। इसे आप रिप्रेजेंट कैसे करते थे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x y से। तो पॉइंट x y एक पॉइंट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करता है। ये पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, तो डिपेंड करेगा साइन कन्वेंशन पे कि हमें वहां पे वैल्यू क्या मेजर करनी है। तो चलिए, फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका जो साइन कन्वेंशन है वो हम लोग क्या देते हैं, प्लस प्लस देते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे माइनस प्लस दिया जाता है, यहाँ माइनस माइनस का बताया गया है और यहाँ पे प्लस और माइनस। ओके, यस बिल्कुल सही है। चलिए, यही हमारा क्वाड्रेंट में डिवीजन और उसका साइन कन्वेंशन है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो z = x + iy का कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको कोई कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, बाबू चलिए बताइए a = z = कुछ भी कह सकता है, a = कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया -2 + 3i, पूछेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप इसके x और y क्वाड्रेंट को ध्यान से देखें तो x की वैल्यू है नेगेटिव और y की वैल्यू है पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो इसी प्रकार आप इसके फोर्थ क्वाड्रेंट से एक और एग्जांपल कर लो, -4 - 6i, बताइए गेस कीजिए, बिल्कुल सही है, चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना ही है, और तो ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और उसमें कहा जाता है कि आप इसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए। तो चलिए हम इसको नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन है इसके ऊपर कि इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, राइट द फॉलोइंग
नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म, ये क्वेश्चन है। तो सवाल है पहला, 3 plus i into 2 minus i square होल स्क्वायर, यस होल स्क्वायर माइनस आई, ओके। तो इसे हमें इस प्रकार रिप्रेजेंट करना है कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई के रूप में कन्वर्ट हो जाए। फिलहाल तो नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ये माइनस अलग अलग करके रखा हुआ है। तो आइए इसका सॉल्यूशन किया जाए। क्या करना है, बेसिकली कुछ करना नहीं है, पहले इसका होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, ठीक है। पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं और पहले आगे इसको प्रोसीड करते हैं। चलिए ठीक है, तो 2 माइनस आई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके आप बना सकते हैं। वेरी गुड, 2 स्क्वायर माइनस 2 into 2 into आई प्लस माइनस आई का होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, और आपको ये हटाइए ब्रैकेट, माइनस आई, राइट। तो ये हो गया 3 प्लस आई इंटू 4, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी माइनस 4 आई माइनस 1। ये आई स्क्वायर को माइनस 1 तो हम लिख सकते हैं, माइनस आई, ओके। तो 3 प्लस आई ये हो गया और ये हो गया 3 माइनस 4 आई। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, हमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से। 3 3 9 एंड आई में तो प्लस 3 आई और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 आई स्क्वायर। और दीजिए मल्टीप्लीकेशन आप कीजिएगा, माइनस आई और यहाँ पे आगे बढ़ाइए 9, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा, बिल्कुल सही माइनस 9 आएगा। और यहाँ पे प्लस 4 होगा, बिल्कुल सही यहाँ पे प्लस 4 होगा, क्यों, आई स्क्वायर है, माइनस 1 इंटू माइनस 4 क्या आ जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस आई, ओके। तो 9 और 4 मिलकर कितना हो गया 13, 13 और ये हो गया माइनस 13, यस। तो ये हो गया कि हमने इसको x प्लस आई वाई के रूप में लिख दिया है। यहाँ पे अगर हमसे z रियल की वैल्यू पूछा जाए तो 13 होगा और z इमेजिनरी वैल्यू माइनस 10 होगा, बिल्कुल सही है। अब इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यही सवाल है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। ये a हमने बनाया, b आपको बनाना है। तो एक क्वेश्चन है वो वहां पे है, iq upon 2 plus i। देखो यहाँ पे डिवाइड में कर दिया, तो क्या दिक्कत है, पहले इसको क्या कर लेंगे हम लोग, पहले इसका परिमेयकरण कर लेंगे, रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर के थ्रू, और बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसको x प्लस आई वाई के रूप में लिख देंगे। तो आप कर लीजिएगा आई हो। और एक और सवाल है, इसी में क्वेश्चन है आपका, 4 minus 3 आई स्क्वायर प्लस 2 आई बाई 2 minus 2i cube का होल स्क्वायर। तो दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं है, आप इसको पहले होल स्क्वायर कर लीजिएगा, थोड़ा सा जब ये सॉल्व होकर छोटा हो जाए उसके बाद इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा। और यहाँ पर तो ये 3i स्क्वायर दे रखा है इन्होंने, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस कर दी है, वो तो वहीं पे हो जाए, बाद में रेशनलाइज करके बनाइएगा और उसको लीनियरली x प्लस आई वाई के रूप में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो एक चीज और देखिए, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन रहा है ना, एक्सरसाइज जब आप 7a FPH से बनाएंगे, तो FPH में 7a में हम आपको बता दें कि इसके टोटल 6 क्वेश्चन ही हुए हैं। तो 1 क्वेश्चन नंबर 1 ही है और उसके अंदर 6 क्वेश्चन हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आस्क किया गया है वो 6 है, आप 6 क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही इजी बन जाएंगे वो सारे, और आप इजीली इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा ये वीडियो कितना सही रहा आपके लिए, और आगे जो भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ उसको आपका जो कमेंट होगा वो हमें इंस्पायर करेगा, हम उसके मदद से ही अगला वीडियो लेकर के आ सकते हैं। धन्यवाद।